हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुजा वर्ल्ड। आज हम देख रहे हैं इजी एंड क्विक इंडियन स्टाइल पास्ता रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। सो यहाँ मैंने गैस पर एक बड़ा बर्तन रख दिया है और उसमें मैंने पानी ऐड किया है। और पानी को अगर जल्दी से उबालना है तो हम इसे ढककर कवर करके उबालेंगे तो ये फटाफट बॉयल हो जाता है। अब अपना पानी अच्छी तरह बॉईल हो गया है तो इसमें मैं लगभग एक चम्मच तक ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें एक चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। अब मैं पानी में दो कटोरी पास्ता ऐड कर रही हूँ। हम कोई भी पास्ता ले सकते हैं, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पास्ता मिलते हैं तो हम कोई भी पास्ता हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अब हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। नॉर्मली पैकेट पर लिखा रहता है उतना टाइम तक हमें पास्ता को बॉईल करना है। लगभग 9 से 10 मिनट में पास्ता अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। या फिर हम इसे कट करके देखेंगे, अगर पास्ता सॉफ्ट हो गया है 9 से 10 मिनट के बाद तो हम गैस की फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। और फिर पास्ता बॉईल होने के बाद हम इसे एक छलनी पर उतार लेंगे। यह पास्ता अच्छी तरह बॉईल हो गया है तो मैं इसे एक छलनी पर उतार कर रख रही हूँ। अब मैंने गैस पर एक बड़ी कढ़ाई रखी है और उसमें मैं 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लगभग 2 अनियंस को कट करके लिया है और 2 से 3 टमाटर को भी कट करके लिया है। हम टमाटर को मिक्सर ग्राइंडिंग जार में प्यूरी करके भी ले सकते हैं। और फिर साथ से ऐड कर लिया मैंने गार्लिक की ली है और उसे भी फाइनली कट करके ले लिया है। अब हम ऑयल में अपने कटे हुए अनियन से उसे ऐड करेंगे और उसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह सौते करके लेंगे। अनियन सौते होने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर और फिर गार्लिक को ऐड करके उसे भी सौते करके लेंगे। इसमें अब हम एक चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और आधा से एक चम्मच चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम कढ़ाई को कवर करके कुक करके लेंगे। अब हम कढ़ाई में लगभग आधा से एक कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके कुक करके लेंगे ताकि इसमें से जो अनियन और टमाटर है वो अच्छी तरह गल भी जाएंगे और उसमें से एक ग्रेवी बन जाएगी। तो अब हम कढ़ाई को फिर से कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करके लेंगे। जी तो यहाँ 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद, ढक के कुक करने के बाद अपने अनियन और टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं और उसमें से एक अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें अब हम अपने चॉइस के हिसाब से वेजेज ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने रेड एंड येलो कैप्सिकम ऐड किया है, पर इसमें हम मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, बॉईल करके मटर ले सकते हैं उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर ब्रोकली ऐड कर सकते हैं। वेजेस हम अपने चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम वेजेस को ऐड करेंगे और फिर इसे भी 1-2 मिनट के लिए कवर करके कुक करके लेंगे। बस 1 से 2 मिनट में ही कैप्सिकम कुक हो जाते हैं। कैप्सिकम को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब हम इसमें थोड़े फ्लेवरिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच ओरिगानो और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स को ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके ले लेना है। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच तक टमेटो केचप या टमेटो सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। टमेटो सॉस या केचप ऐड करने से पास्ता की जो ग्रेवी है उसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो आप ये ज़रूर ऐड करना। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें छोटा 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। शुगर से एक अच्छा सा स्वीटनेस आएगा और टमाटर का जो खट्टापन होता है वो शुगर से कम हो जाता है। तो 1/2 चम्मच हम इसमें शुगर ऐड करके इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। तो ग्रेवी है वो अच्छी तरह अपनी रेडी हो गई है। इसमें हमने सारे फ्लेवर्स सारी चीज़ें ऐड कर ली है। तो अब हम इसमें जो हमने बॉईल करके पास्ता साइड में रखे है उसे ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। पास्ता ऐड करने के बाद ग्रेवी थोड़ी ड्राई लग रही है तो इसलिए मैं इसमें 1/2 कटोरी तक पानी ऐड कर रही हूँ और उसे भी अच्छी तरह मिला रही हूँ। फिर हमें पास्ता को लगभग 2 मिनट तक ढक के कवर करके कुक करके ले लेना है।
अब अपना पास्ता अच्छी तरह रेडी हो गया है, तो इसमें अब हम चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ ऐड करने से पास्ता की ग्रेवी में एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और पास्ता में और उसकी ग्रेवी में एक बाइंडिंग भी बन जाता है। तो चीज़ को आप स्किप मत करना और चीज़ की क्वांटिटी हम कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर चीज़ ऐड करने के बाद बस एक मिनट तक हमें इसे कुक करके लेना है और अपना पास्ता रेडी हो गया है। हम पास्ता को एक बोल में सर्व करेंगे और इसे गार्निश करेंगे चीज़ से, और फिर अगर आपके पास धनिया के पत्ते होंगे तो उसे भी हम गार्निश कर लेंगे। तो इस तरह अपने पास्ता की रेसिपी रेडी हो गई है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू रुझावट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ स्टे हैप्पी।